Sami Sas. फरीदाबाद में इस बार जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में मनाया गया, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली और निरीक्षण किया। ध्वज फहराने से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर बल्लभगढ़ के राजा नहर सिंह पार्क स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर कृष्ण पाल गुर्जर ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं का भी विस्तार से जिक्र किया। महोत्सव मना रहे हैं तो हमें इस बात का विचार करने की आवश्यकता है कि आजादी के बाद हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपनों का भारत बनाने की दिशा में कहां तक सफलता प्राप्त की है। भाइयों बहनों, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष में हमें आजादी मिली तो वही दिन रात मुस्तैदी से देश की सीमाओं की निगहबानी करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी ये आजादी सुरक्षित है। आज देश उनका ऋणी है। उनके प्रति कृतज्ञता करते हुए हमने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्ध सैनिकों बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। इसी प्रकार आईडी ब्लास्ट में शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। युद्ध अथवा आतंकवादियों से मुठभेड़ या किसी अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिकों और अर्ध सैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि निशक्तता के आधार पर बढ़ाकर 35 लाख रुपए, 25 लाख रुपए और 15 लाख रुपए की गई है। हमने शहीदों के 365 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी है। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री श्री मनोहर जी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करवाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन एवं सुशासन के पद पर चलते हुए कई अनूठी पहल की हैं। प्रदेश में हर व्यक्ति को उसके घर द्वार पर ही सरकार की योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं व सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने सभी देशवासियों को गणतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही स्कूली छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।